व्हाइल यू आर ज्वाइनिंग, और आपके साथ वो प्रश्न के भी बात करनी थी, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ. हम लोग ने सभी भक्तों से पूछा यहाँ पर जो मौजूद है कि हमारे हमारे इस ह्यूमन बर्थ का गोल क्या है, और कुछ जवाब जो मिले वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, और आपका आपका ओपिनियन भी चाहिए इस टॉपिक पर. दैट इज ओके. या ओवर टू यू नाउ. या व्हेनेवर यू आर रेडी. यस ओके. सो सबसे पहले क्या बोले थे, जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल ऑफ लाइफ, राइट? आवाज बढ़ा लो चाहिए तो. सॉरी प्रभु जी, अगर इफ यू आर एड्रेसिंग दैट क्वेश्चन फर्स्ट, आई वुड लाइक टू गिव यू मोर डिटेल एंड सम ऑफ द आंसर्स आई रिसीव्ड. श्योर प्रभु, प्लीज लेट्स गो अहेड. ओके ओके. तो मैंने मैंने यही पूछा था सभी लोगों से कि गोल ऑफ लाइफ है क्या, आपके आपके जीवन का आप क्या गोल करना चाहते हो. इट इज नॉट नेसेसरी वी हैव अचीव्ड इट, बट व्हाट वी वांट टू अचीव. तो जो जवाब मिले वो मैं पढ़ना चाहता हूँ. मैंने कुछ नोट डाउन किया है. डियर डिवोटीज, इफ मैं अगर कुछ भूल रहा हूँ तो आप कृपया ऐड कीजिए. तो एक जवाब ये था कि चाहे लोग बोले या ना बोले, सबको धन कमाना है, मनी. ये स्पिरिचुअल सेशन है इसलिए लोग शायद बोलेंगे नहीं, मगर रियलिटी यही है कि सबको पैसा कमाना है. दैट वाज वन आंसर. दूसरा आंसर ये था बी सिंपल. ओके, एक मिनट, मैं थोड़े लोगों को म्यूट कर देता हूँ. अगर इफ यू आर नॉट टॉकिंग प्लीज यू नो आई जस्ट बी अनम्यूट. ओके बी ऑन. ओके, फिर दूसरा गोल ये था कि आध्यात्मिक जीवन के नजदीक आओ. फिर एक और गोल ये बताया था कि नोइंगली अननोइंगली किसी को आप दुखी मत करो, जितना आप कमाते हो उतना ही आप स्पेंड करो, और उतना ही आप जो जरूरत है उतना ही आप कमाओ. और एक गोल बताया था कि सेवा करो. अभी सेवा किसकी करो ये एलैबोरेट नहीं दिया था, टेक्स्ट मैसेज मिला था, मगर सेवा करो. और एक गोल था कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो जो हमारे वो आप इकट्ठा करो और सोसाइटी में बांटो, ताकि हर कोई जीवन में आगे बढ़ सके, दूसरों की मदद करो. और एक गोल ये था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप पूर्ण करो और फिर कृष्ण की तरफ बढ़ो. तो प्रभु जी ये कुछ ये थोड़े जवाब मिले थे हमें. अब ओवर टू यू कि जीवन का गोल क्या होना चाहिए और क्यों, और इसके बारे में आपके जो भी टिप्पणी है. ओवर टू यू प्रभु जी. थैंक यू. ओम ज्ञानतिमिरान्नस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जीवन का उद्देश्य बहुत ही विस्तारित सब्जेक्ट मैटर है ये. वैसे थोड़े मिनटों में या आधे घंटे में इसका व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि हमारे पास आधे पौने घंटे का समय है तो हम थोड़ा उस पे चिंतन करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि जितने भी उत्तर मिले हैं हमको उनको किस हद तक जीवन के उद्देश्य में जोड़ा जा सकता है. अब जीवन का उद्देश्य इस पर निर्भर करता है सबसे पहले कि हम हैं कौन. जैसे देखिए एक लड़की है, जवान लड़की है, उसकी शादी हो रही है. शादी हो गई, उसको पता चल गया कि अभी ये मेरे पति हैं.
ये मेरे पति हैं इनके घर जाएगी, ये मेरे सास ससुर हैं, मेरे ननंद हैं या देवर हैं, ये सब हैं परिवार वाले। तो सबसे पहले मैं इस व्यक्ति की पत्नी हूं, फलाना व्यक्ति की पत्नी हूं, ये आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी के द्वारा, क्योंकि ये मेरे पति हैं, इनसे जुड़े ये मेरे सास ससुर हैं, ननंद हैं, देवर हैं और भाभी वगैरह हैं, तो मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है उन सबकी तरफ। मेरे जीवन का उद्देश्य हो जाता है उन सबके प्रति कुछ सेवा करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि मैं कौन हूं, तब हमें जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए उसका सही पता चल पाएगा। अगर पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी कभी एक्सीडेंट हो गया, उसका सर पे चोट वगैरह आ गई और सब कुछ भूल गया, किसी को पहचान नहीं पा रहा है, उसकी पत्नी आ रही है सामने, बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप आ रहे हैं, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, वो व्यक्ति क्या सेवा कर पाएगा किसी का, क्या अपना कर्तव्य निभा पाएगा, उसे यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं, है ना। तो ये पता होना कि मैं कौन हूं बहुत ही आवश्यक है जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने के लिए। अभी कोई सोचता है अरे मैं तो भारतीय हूं, या मैं अमेरिकन हूं ना, या मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, ये सारी जो पहचान है हमारी, हर तरह की जो पहचान है इस जगत में, वो सब मिथ्या अहंकार से जनित या भगवान की इस माया शक्ति के द्वारा निर्मित पहचान है हमारी। न तो हम ये शरीर हैं और न ही शरीर से जुड़ी हुई कोई भी पहचान है। तो मैं कहता हूं अगर मैं अमेरिकन हूं या मैं इंडियन हूं, ये शरीर अमेरिका या इंडिया में जन्मा है, इसलिए मैं बोलता हूं मैं इंडियन हूं या अमेरिकन हूं। मैं बोलता हूं मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मैंने मुसलमान परिवार में जन्म लिया, इसलिए मैं बोलता हूं मैं मुसलमान। मैं हिंदू परिवार में लिया, मैं सोचता हूं मैं हिंदू हूं, है ना। तो ये सारे, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे को हिंदुओं को खत्म करना पड़ेगा, मैं हिंदू हूं तो मुझे मुसलमानों को खदेड़ के निकालना पड़ेगा इस देश से। ये सब कर्तव्य आते हैं इस मिथ्या अहंकार जनित अपनी पहचान से। और ये सारे कर्तव्य केवल हमें इस संसार के चक्र में और अधिक गहरा बांध देते हैं। इस भवसागर में, संसार के जन्म मरण के चक्कर में हमें और गहरे बांध देते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मां के गर्भ में जाना और बार बार जन्म मरण का सामना करना, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। तो सबसे पहला और प्रमुख प्रश्न ये है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन उससे पहले प्रश्न है मैं कौन हूं। अगर ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं, फिर उद्देश्य भी, हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए, एकदम साफ हो जाएगा। यदि कंपनी में भी आता है ना, कोई कंपनी में कोई ज्वाइन करता है नया नया जॉब, तो उसको जॉब प्रोफाइल बता देंगे, ठीक है भाई तुम अभी यहाँ के एचआर मैनेजर हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, क्योंकि तुम्हारा टाइटल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इसलिए तुम्हारा काम है सारे ह्यूमन रिसोर्स का देखभाल करना, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, किसको कहाँ पे जाना है काम करने के लिए, किसकी क्या एलोकेशन रहेगी, ये सब आपका कार्य है। तो जैसे ही आइडेंटिटी क्लियर हो जाता है, उस व्यक्ति का कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, सब क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला चीज है हमें हमारा आइडेंटिटी क्लियर करना। और गीता में भगवान साफ साफ बताते हैं हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न कूलम् अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा नष्ट नहीं होता है। मैं जो मैं बोलता हूं ना,
ये मैं जो है वो आत्मा है, ये शरीर नहीं है। जब शरीर नष्ट होकर गिर जाता है तो बोलते अरे ये व्यक्ति मर गया या चला गया यहां से, वो चल बसे। तो चल बसे तो कौन चल बसे भाई, ये तो सामने तो पड़े हैं। कोई बोलता है मेरे पिताजी चल बसे, अरे भाई कहाँ चल बसे, ये तो पड़े तो हैं यहाँ पे। नहीं नहीं ये तो खाली मृत शरीर है, वो तो चल बसे। तो चल बसे तो कौन चल बसे, जो चल बसे उसको तो आपने कभी देखा ही नहीं है ना। तो आत्मा जो है न तो जन्म लेता है न मरता है, नित्य है, शाश्वत है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, नहीं उसका जन्म होता है। वो केवल अलग अलग शरीर धारण करता है, जैसे हम ये वस्त्र धारण करते हैं, वासां सी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णन्ति नवपन। भगवान गीता में कहते हैं जैसे हमारा ये अगर शर्ट फट जाए तो हम इसे फेंक देते हैं और नया शर्ट ले लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा के लिए शरीर जो है एक वस्त्र के समान। जो ही वस्त्र पुराना हो गया मैला हो गया फिर छोड़ देते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं ना। तो ये शरीर जो है केवल एक वस्त्र के समान है। अभी हमने जितनी भी चर्चा की है ना, अधिकतर अधिक जैसे पैसा धन कमाना है, अपने परिवार का देखभाल करना है, सोसाइटी का यू नो वेलफेयर करना है, आपको चैरिटी करना है, दूसरों को मदद करना है, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब चीजें जो है शरीर से जुड़ी हुई, ये सब वस्त्र से जुड़े हुए हमारे ड्यूटीज हैं। तो जब हम समझ लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो दो तरह के हमारे कर्तव्य हो जाते हैं। सारे कर्तव्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, फिर हम दो भागों का चर्चा करेंगे अधिक से अधिक विश्लेषण में, तो हमें साफ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कर्तव्य महत्वपूर्ण है, किसको क्या प्रायोरिटी देना है। क्योंकि अगर कर्तव्य अधिक हो, एक कर्तव्य तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर कर्तव्य बहुत सारे हो तो प्रायोरिटी करना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, किसके ऊपर मुझे पूरा अपना जीवन केंद्रित रखना है, और कौन सा कम महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण है। तो उस प्रायोरिटी के अनुसार मैं समय बिताऊंगा हर एक कर्तव्य के प्रति, है ना। तो हमारे पहचान कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, ये हमारे सारे कर्तव्यों को दो भागों में बांट देता है। एक कर्तव्य मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का क्या कर्तव्य है, आत्मा के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये होता है एक आध्यात्मिक कर्तव्य, उसे हम आध्यात्मिक कैटेगरी में डालते हैं, आत्म से जुड़ा हुआ है इसलिए आध्यात्म कहते हैं। दूसरा शरीर से जुड़ा हुआ कर्तव्य, शरीर से जुड़ा हुआ कर्तव्य इसीलिए उसे भौतिक कहते हैं। तो आध्यात्मिक और भौतिक दो श्रेणी के कर्तव्य हैं हर एक के लिए। तो इन दोनों कर्तव्यों को हम समझ सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा, तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्रों में उपनिषदों में एक उदाहरण दिया गया है ये शरीर और आत्मा की तुलना के लिए। शरीर की तुलना की गई है रथ से और आत्मा की तुलना की गई है रथी से। रथी मतलब जो रथ के ऊपर बैठ के सवार होता है। तो आजकल तो रथ को यूज नहीं करता, तो हम रथ की जगह गाड़ी ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, ठीक है। तो तुलना की गई है कार और ड्राइवर से, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं कार चला रहा हूं, मान लीजिए मैं अभी यहाँ साक्रामेंटो में, कैलिफोर्निया में, मुझे यहां से एलए जाना है, 6-7 घंटे का सफर है, और अगर यहां से मुझे न्यूयॉर्क जाना है तो 3,000-2,500 माइल है, तो कई दिनों का सफर हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, यहाँ से ड्राइव करके जा रहा हूँ, फ्लाइट में नहीं ड्राइव करके जा रहा हूँ, तो मेरी जरूरतें होंगी कुछ रस्ते में, क्योंकि लंबा सफर है तो काफी जरूरतें होंगी, ठीक है। तो सारी जरूरतों को मैं दो हिस्सों में बांट दूंगा, एक मेरी जरूरत है, एक मेरी गाड़ी की जरूरत है। तो गाड़ी में अगर मेंटेनेंस नहीं हुआ है काफी दिनों से, तो जर्नी से पहले मैं मेंटेनेंस कर लूंगा उसको, कोई अच्छे गैराज में जाके मेंटेनेंस करवा लूंगा, ठीक है। फिर जब जर्नी शुरू कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि अच्छे से भोजन वगैरह की व्यवस्था कर ली है मैंने रास्ते के लिए, और
जब जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी का गैस इंडिकेटर नीचे चला जाएगा तो मैं गैस स्टेशन में जाके गैस भी भर लूंगा, है ना। तो दोनों जरूरतों को मुझे साथ साथ पूरा करते हुए ही जर्नी जो है, जीवन का जो सफर है, उसे मैं सक्सेसफुली कवर कर पाऊंगा। आप कोई सोचे, अरे ये गाड़ी क्या है, गाड़ी तो केवल मेरा एक निमित्त है, मेरा एक प्रॉपर्टी है, बार बार उसमें गैस भरने की क्या जरूरत है। अगर गैस नहीं भरेंगे तो फिर जर्नी नहीं हो पाएगा अच्छे से, गैस तो भरना पड़ेगा, है ना, मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा गाड़ी का अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि मैं लंबी जर्नी पे जा रहा हूँ और रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, गाड़ी कहीं बंद पड़ जाए, तो मेंटेनेंस और गैस ये दोनों बहुत आवश्यक है गाड़ी के लिए, है ना। लेकिन अगर कोई पूरा जीवन का उद्देश्य ही गाड़ी का मेंटेनेंस और गैस भरने में लगा दे, मान लीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, जब भी गाड़ी का गैस खत्म हो गया, मैं गैस चिपका गैस भर लेता हूँ, गाड़ी का मेंटेनेंस करवा लेता हूँ, लेकिन मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, कुछ पी नहीं रहा हूं, तो क्या मेरा जर्नी स्मूथ रहेगा? नहीं, गाड़ी एक माध्यम है मेरे जर्नी के लिए, लेकिन गाड़ी और मेरे में अंतर यह है कि मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं गाड़ी से, गाड़ी सेकेंडरी है, मेरा महत्व अधिक है गाड़ी से, है ना। ड्राइवर का महत्व अधिक होता है, गाड़ी का महत्व कम होता है, दोनों महत्वपूर्ण है लेकिन दोनों में से ड्राइवर का महत्व अधिक होता है। अब जैसे देखिए, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छा कॉस्टली मॉडल, लेम्बोर्गिनी या मर्सिडीज, या मान लीजिए कोई टेस्ला का लेटेस्ट मॉडल, हाई एंड मॉडल चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ कई लोग भी थे, सबकी मौत हो गई, तो हेडलाइन में क्या आता है? टेस्ला गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2.5 लाख की गाड़ी, मर्सिडीज बेंज का विनाश हो गया, नहीं, हेडलाइन में क्या आता है? 5 पैसेंजर मारे गए, उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, गाड़ी का तो जिक्र भी नहीं आता है कहीं, टेस्ला थी कि या होंडा थी या कौन सी गाड़ी थी, कोई गाड़ी का जिक्र नहीं होता, कोई गाड़ी का वैल्यू का जिक्र नहीं होता, केवल पैसेंजर का जिक्र होता है। क्यों? क्योंकि पैसेंजर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाड़ी तो छोड़ दीजिए, कभी एयरफ्लाइट फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एयर क्रैश हो जाता है ना, तो कभी ये नहीं आता, अरे जम्बो जेट 007 का, या जम्बो जेट 707 का क्रैश हो गया, इतने मिलियन डॉलर्स का एयरप्लेन ऑन्स हो गया, नहीं, कोई एयरप्लेन का या उसके वैल्यू का कुछ लेख नहीं होता कहीं हेडलाइन। हेडलाइन में क्या आता है? 50 पैसेंजर मारे गए या 100 पैसेंजर मर गए एयर क्रैश। एयर क्रैश में एयरप्लेन का तो कुछ एक लफ्ज भी नहीं होता है, जब कि कितनी वैल्यू थी उसकी, क्या कितना कॉस्टली था, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज थी, सब यूजलेस, केवल महत्वपूर्ण होता है पैसेंजर। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन की जर्नी में भी जो पैसेंजर बैठा है गाड़ी के अंदर, मैं जो आत्मा हूं, वो अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि ये गाड़ी। तो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है हमारा आध्यात्म कर्तव्य। अब देखिए, शरीर है, शरीर ने जन्म लिया है किसी परिवार में, तो परिवार के प्रति भी कर्तव्य है, मेरे भाई बहनों के प्रति, मेरे माता पिता के प्रति, अगर पत्नी है तो पत्नी, बच्चों के प्रति, सबके प्रति मेरा कर्तव्य है, लेकिन ये सारे कर्तव्य जुड़े हुए हैं शरीर से, है महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि शरीर को मेंटेन करने में, इमोशनली फिजिकली मेंटेन करने में बहुत ही लाभदायक होते हैं, ये सारी कर्तव्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य। तो ये सोचना कि अरे पहले मुझे अपने परिवार का और सबका ख्याल रखना है, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो देख लेंगे ना, आध्यात्मिक कर्तव्य भी देख लेंगे, पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। पहले बात तो बुढ़ापे में पहुंचेंगे इसका कोई गारंटी नहीं,
कि मैं हम लोग ड्राइव करके काम पे जाते हैं, कभी भी रास्ते में आप कितना भी अच्छे से ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, कितने भी अलर्ट, लेकिन कोई ट्रक वाला ट्रक चला रहा है, उसको थोड़ी झपकी आ गई और आपके ऊपर चढ़ा दिया, आपका गलती तो नहीं है, लेकिन फिनिश, जीवन फिनिश हो सकता है, एक क्षण में फिनिश हो सकता है जीवन, है ना। तो हाँ, कर्तव्य तो है हमारे सबके प्रति, कर्तव्य है इस जगत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है हमारा हमारे अपने प्रति, आत्मा के प्रति कर्तव्य। मैं आत्मा हूं इसलिए मेरा अपने प्रति कर्तव्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस जगत में लोग गाड़ी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आजकल की सभ्यता, सब लोगों को शरीर और शरीर से जुड़े हुए कर्तव्यों की बहुत चिंता होती है, लेकिन मैं कौन हूं ये तो किसी को पता भी नहीं है आजकल। किसी को पूछ लीजिए आप कौन है, भाई मैं हिंदू हूं, भाई मैं अमेरिकन, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फलाना हूं, कोई नहीं कहता कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अब जब पता ही नहीं है तो कोई उसके बारे कर्तव्य बारे में सोचता भी नहीं है, और क्योंकि कोई भी इस जगत में आजकल उस कर्तव्य के बारे में सोचता नहीं है, आप देख लीजिए कोई कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी अच्छे से शरीर का और अपने परिवार का सबका भरण पोषण अच्छे से कर रहा हो, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है न्यूयॉर्क जाने के लिए, गाड़ी का अच्छे से मेंटेनेंस कर रहा है, लेकिन कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, तो कहां से सुखी होगा? उसकी जर्नी कहां से कंफर्टेबल होगी? गाड़ी में एयर कंडीशन चल रहा है, गाड़ी में खाना मौजूद है, पीने के लिए सब कुछ अलग अलग ड्रिंक्स मौजूद है, लेकिन और गाड़ी में पेट्रोल भी अच्छे से है, लेकिन मैं खा नहीं रहा हूं कुछ भी, मैं पी रहा हूं, तो कहां से सुखी रहूंगा मैं, कहां से मेरा जर्नी कंफर्टेबल होगा? यही एकमात्र कारण है इस जगत में धनी से धनी लोग बहुत ही दुखी जीवन जीते हैं। अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख लें। अब मान लीजिए, यू नो, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे इसके बारे में, महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन देश को, यू नो, फ्रीडम देने के लिए पूरा समर्पित किया था जीवन, है ना। हालांकि आजकल वो भी थोड़ा डाउटफुल है लोगों को, लेकिन मान लीजिए एक क्षण के लिए मान भी ले कि वो सत्य भी है, यू नो। तो गांधी जी ने अपना पूरा जीवन देश को आजादी देने के लिए परिश्रम किया, खूब परिश्रम किया, है ना। उनके कुछ अपने बच्चे वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी पूरा जीवन समर्पित कर दिया, है ना। लेकिन क्या आजादी के बाद वो खुश थे? कैसे, वो स्वयं खुश थे वो? और उन्होंने सोचा कि मैं देश के लिए अपना इतना परिश्रम कर रहा हूं, तो क्या देशवासी उनके साथ खुश थे? अगर खुश होते तो उनमें से एक गोली नहीं मार देता हूं। इतना परिश्रम किया जीवन भर देश का सेवा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, और अंत में न तो खुद खुश था बंदा, और न ही देश वाले को, जिनकी सेवा कर रहा था वो भी खुश नहीं थे। यहाँ इस अमेरिका में, यू नो, कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी, बहुत फेमस प्रेसिडेंट थे हमारे अमेरिका के, वो भी बहुत देश को प्रेम करते थे, देश वाले भी उनको बहुत प्रेम करते थे, है ना। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी, अच्छा नहीं लगा उनको, किसी देशवासी नहीं गोली मारी ना। तो आप कितना भी किसी का सेवा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, न तो आपको संतुष्टि आएगी, न ही जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसको संतुष्टि आएगी। तो मुझे याद है स्कूल में हम लोगों ने एक लेसन था हमारा, तो सबसे सबने सुना तो होगा, लेकिन फिर भी, यू नो, ये उदाहरण हमको सिखाता है कि इस जगत में आप कुछ भी कर लीजिए, आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति और उसके पोता था, तो उन दोनों को थोड़ा पैसे की कमी था, तो उनके घर में एक पशु थे बहुत सारे, तो एक गधे को लेके गांव से थोड़ा मेले में जा रहे थे शहर की तरफ। शहर में मेला लगा था, सोचिए शहर में गधे को बेच देंगे और थोड़ा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों निकले गांव से शहर जाने के लिए, तो
लड़का बोला दादाजी आप थोड़े बूढ़े हैं, आपको चलने में तकलीफ है, तो आप बैठ जाइए गधे पर। तो दादाजी बैठ गए गधे पर और लड़का साथ साथ चल रहा है गधे को लेकर। तो थोड़ा गाय आगे तो किसी ने बोला अरे ये देखो कितना निर्लज है व्यक्ति, खुद मजे से बैठा हुआ है और अपने छोटे बच्चे को पोते को पैदल चला रहा, कितना निर्लज व्यक्ति है। तो दादाजी को शर्म आ गई, उतर गया घोड़े से गधे से, बोले बेटा तू बैठ जा। तो लड़का बैठ गया। थोड़ा आगे गए, किसने देखा देखो जवान लड़का निर्लज कहीं का अपने बूढ़े दादाजी को पैदल चला रहा है और खुद मजे से घोड़े पे जा रहा है। क्या कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। तो लड़के को शर्म आ गई, बोले दादाजी आप भी बैठ जाइए, दोनों बैठ के चलते। तो दोनों साथ में बैठ गए गधे पे। थोड़ा आगे गए, किसने देखा अरे अरे हाय 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 देखो कैसे दुष्ट लोग हैं, दो दो लोग बेचारे पशु पे बैठे हुए हैं, कितना कितना जुल्म कर रहे हैं इस गधे के साथ, कुछ छोटा सा जानवर है बेचारा उसके ऊपर दो दो लोग बैठे हुए हैं, इनको तो दया भी नहीं आती पशु। तो दोनों उधर गए गधे से पैदल चलने लगे और पैदल जा रहे हैं। थोड़ा आगे गए तो किसी ने बोला देखो कितने मूर्ख लोग हैं, दोनों इनके पास गधा है फिर भी दोनों पैदल जा रहे, इनसे बड़ा कोई मूर्ख होगा, अब करे क्या, सारे जो ऑप्शन थे उन्होंने ट्राई कर लिए। तो इस सबक में ऐसा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग संतुष्ट होंगे भी तो सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकते उन्हें, थोड़े टाइम के लिए संतुष्ट होते हैं फिर असंतुष्ट हो ही जाते हैं जगत में, है ना। तो कर्तव्य मतलब हमें अपना कर्तव्य करते रहना है इस जगत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य जो है हमारा अपने प्रति, आत्मा के प्रति कर्तव्य है। तो आत्मा का कर्तव्य क्या है भी पहले ये समझो, ठीक है। गीता में भगवान कहते हैं ममय अंश जीवलोके जीव भूत सनातन, सारे जीव जो है मेरे अंश हैं। अंश का मतलब क्या हुआ, अब जैसे देखिए ये उंगली जो है ये मेरे शरीर का अंश है, इस उंगली का कर्तव्य है इस शरीर की सेवा करना, क्योंकि ये उंगली शरीर का अंश है इसलिए इसका कर्तव्य बनता है इस शरीर की सेवा करना। मतलब जब मेरे सामने अच्छा सा भोजन आता है प्लेट भर के भोजन आता है तो ये उंगली अपने आप भोजन नहीं खा सकता है, इसका कर्तव्य बनता है अन्य उंगलियों के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन को उठाए और मुंह में डाले, है ना। तो इन सभी उंगलियों का पूरे परिवार का उंगलियों का कर्तव्य है पेट की सेवा करना, क्योंकि पेट में भोजन जाएगा मुंह से तो अपने आप इस उंगली को नरिशमेंट मिलेगा, उंगली संतुष्ट हो जाएगी, ये उंगली के साथ इसके परिवार जो अन्य उंगलियां हैं ये भी संतुष्ट हो जाएंगी, इनका जो कम्युनिटी है दूसरा उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियां वो भी संतुष्ट हो जाएंगी, पूरा शरीर संतुष्ट हो जाएगा अगर ये उंगलियां मिलकर इस पेट का सेवा करेंगी। तो अंश का कर्तव्य होता है पूर्ण की सेवा करना, शरीर पूर्ण है उंगली अंश है तो उंगली का कर्तव्य बनता है पूर्ण शरीर की सेवा करना। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण है, वो पेट के समान है और हम ये उंगली के समान है। तो अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो अपने आप संतुष्टि आ जाती है, आत्मा के लिए भोजन जो है वो भगवान कृष्ण का सेवा यही एकमात्र भोजन है, भगवान की भक्ति करना ये आत्मा का भोजन है। जब हम भोजन खाते हैं वो शरीर के लिए है लेकिन आत्मा का भोजन है भगवान की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की सेवा में लगना, उनके नाम उनकी कथा का गुणगान करना, ये आत्मा का भोजन है। अगर ये भोजन नहीं खिलाएंगे हम अपने अपने आप को तो कितने भी तरह के व्यंजन मिल जाएं इस जगत कुछ संतुष्टि नहीं होगी, कितना धन संपत्ति मिल जाए
कितनी यू नो अच्छी पत्नी या अच्छा पति मिल जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, जीवन में केवल असंतुष्टता ही रहेगी, कोई संतुष्टता आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आत्मा का भोजन है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान कृष्ण के गुणगान सुनना और गुणगान करना। जिस प्रकार ये उंगली अपने आप भोजन नहीं खा सकती, उसी प्रकार हम आत्मा, जो आत्मा है वो केवल अपना सेवा करके, अपने परिवार का सेवा करके कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, अपने देश का सेवा करके भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, पूरे मानव जाति का सेवा करके भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो जब लोग बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा, ये बिल्कुल बकवास है, कोरी बकवास है, कहीं शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। माधव सेवा जो है वो केवल मानव सेवा ही नहीं, सारे जीवों के प्रति सेवा है। जिस प्रकार इस कोई बोले इस उंगली का सेवा करने से पूरे शरीर का सेवा हो जाए, नहीं, ये उंगलियां मिलके शरीर का सेवा करेंगी, भोजन देंगी पेट को, तभी संतुष्टि होगी। और मजे की बात यह है, उपनिषदों में इसके ऊपर भी उदाहरण दिया गया है कि एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति के शरीर में ये सारे अंग ने, उंगलियों ने मिलके, पैरों ने, हाथों ने, कान नाक सब मिलके मीटिंग किए। उनका मीटिंग हुआ कि भाई हम लोग बहुत परिश्रम करते हैं, आंखें डायरेक्शन देती हैं कि अरे इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ, पैर ले जाते हैं हर जगह, हाथ काम करते हैं, है ना, लेकिन ये पेट बैठ के केवल खाना खाता है, उसे हम भोजन देते रहते हैं देते रहते हैं, ये तो खाली खाता रहता है, तो हम क्यों इसकी सेवा करें भाई, हमें नहीं करनी इसकी सेवा, तो हम स्ट्राइक करेंगे। तो सारे शरीर के अंगों ने स्ट्राइक किया, पेट को भोजन नहीं दिया, और पेट को भोजन नहीं दिया तो क्या हुआ, उंगली हाथ पैर सब कुछ ढीले पड़ गए। फिर इस मीटिंग हुआ, अरे भाई हम पेट को सेवा नहीं कर रहे तो हम ही वीक हो रहे हैं, पेट को तो फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ, हम ही वीक हो रहे हैं, तो हमें फिर पेट का सेवा करना चाहिए। बिल्कुल यही सत्य लागू होता है पूरे संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए यही सत्य लागू होता है। अगर हम मनुष्य योनि में भगवान की सेवा नहीं करते तो हानि भगवान की नहीं है, हमारी ही है। हमारा परम कर्तव्य है, सबसे पहला और प्रमुख कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, और उससे बाकी सारे कर्तव्य अपने आप पूर्ण तरह से फुलफिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बाकी कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये सबसे प्रमुख और पहला कर्तव्य है। बाकी कर्तव्य तो हम जीवन में भाते रहते हैं, सब लोग अपने जीवन में बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस तो देते ही है, लेकिन जिस चीज को मिस कर जाते हैं वो है हमारा अपने प्रति कर्तव्य, हमारा भगवान के प्रति कर्तव्य जो है, और उस कर्तव्य को न निभाने के कारण हम कितने भी कर्तव्य निभा लें निष्ठा से इस जगत को, कोई संतुष्ट और खुश नहीं हो पाए। तो खुश रहना है जीवन में, संतुष्ट रहना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान के प्रति सेवा करना, भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे नियमित रूप से हर रोज निभाना। कभी प्रश्न होता है कि ठीक है भगवान के प्रति हम अपना कर्तव्य कैसे निभाएं, रोज कैसे निभाएं कर्तव्य को, तो रोज इस तरह से निभा सकते हैं कि हम अगर भगवान के बारे में सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, या भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, कथा का गुणगान करते हैं, तो वो कर्तव्य उससे हमारी आत्मा को संतुष्टि होती है। अब आप सोचेंगे भाई ये हर रोज कैसे होगा, हम तो केवल हर फ्राइडे को बैठ के कथा करते हैं ना, हम साथ में हर रोज कैसे होगा, रोज भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि आप हर रोज भगवान के नाम का जप करें माला के ऊपर, जैसे कि हम लोग हर रोज जप करते हैं भगवान के नाम का, अरे जो मायापुर बिहारी प्रभु हैं वो भी बिल्कुल हर रोज नियमित रूप से, उनकी पत्नी भी, उनका बेटा जो पार्थ है वो भी नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं। तो ये भगवान के नाम का जप करना रोज माला के ऊपर, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, इस मंत्र का जप करने से क्या होता है, हम मुख से भगवान का नाम का गुणगान कर रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं, तो बोलना कीर्तन और श्रवण दोनों हो जाता है जप के द्वारा, और उससे आत्मा को अत्यधिक संतुष्टि मिलती है। आप सबसे नम्र निवेदन है, हाँ हमें परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना है, उसको कोई हमें सिखाना नहीं पड़ता है, उसके लिए कोई हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, सबको आता है वो कर्तव्य निभाना, सब लोग निभाते हैं अपने कर्तव्य को, जिस चीज की नहीं है उससे सीखने की आवश्यकता है। मेरा अपने प्रति कर्तव्य, मेरा भगवान के प्रति कर्तव्य जो है, ये हरे कृष्ण मंत्र जप के द्वारा हम अपने आप के प्रति और भगवान के प्रति जो कर्तव्य है पूर्ण निष्ठा से निभाते हैं। मेरा आप सबसे यही नम्र निवेदन है कि आप हर रोज, जैसे हर रोज शरीर को भोजन देते हैं, उसी तरह हर रोज आत्मा को भोजन दीजिए, ये भगवान के नाम के जप के द्वारा, हरे कृष्ण जप के द्वारा। क्योंकि जब तक आत्मा को भोजन नहीं देंगे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए इस जगत में, आप कभी सुखमय जीवन नहीं बिता पाएंगे। और सुख की परिभाषा, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि परिवार का सेवा करने से या देश की सेवा करने से सुख नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन वो सुख जो है बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही छोटी मात्रा का सुख है। देखिए कभी बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आप गाड़ी का चाबी दे दीजिए, मान लीजिए आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, लेकिन पहले होती थी चाबियां, जैसे चाबी से इंसार करते हैं गाड़ी को, तो चाबी दे दीजिए बच्चे को तो बच्चा मुंह में डाल देता है, और मुंह में डालता है तो बच्चे को थोड़ा स्वाद मिलता है उससे, है ना, चाबी कुल्हड़ का स्वाद मिलता है बच्चों को, तो बच्चे छोड़ना नहीं चाहते उससे, क्योंकि उससे संतुष्टि मिलती है। कुछ अब बच्चे की चाबी खींचने की कोशिश करिए और रोएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर वो चाबी लेकर उसे लॉलीपॉप दे दीजिए, लॉलीपॉप में जो स्वाद आएगा वो चाबी के स्वाद से कई गुना बेहतर रहेगा, है ना। तो उसी प्रकार हम इस जगत के करते हैं, अपने जो भी पारिवारिक या सामाजिक कर्तव्य निभाते हैं उसमें संतुष्टि होता है, ऐसा कि संतुष्टि नहीं है, लेकिन जो संतुष्टि हमारी आत्मा को, जिसकी लालसा है, वो केवल भगवान के नाम के श्रवण कीर्तन में ही मिलेगा। तो इस तरह ये दो तरह कर्तव्य है हमारे, गाड़ी का कर्तव्य और ड्राइवर का कर्तव्य। गाड़ी का कर्तव्य सब लोग निभाते हैं, ड्राइवर का कर्तव्य हमारी आत्मा के प्रति जो कर्तव्य है उससे निभाने की बहुत आवश्यकता है। और वंस अ वीक नहीं, वंस अ मंथ नहीं, एवरी डे, हर रोज इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। अगर सुख चाहिए तो, सही मायने में अगर जीवन में सुखी होना है तो इस कर्तव्य को निभाना बहुत ही आवश्यक है। आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर टू एवरी वन। किसी का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आई होप एवरीवन कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड कोई प्रश्न। मैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, लोगों को आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जब हम एम या गोल की बात करते हैं तो यू नो कुछ चीज इजीली समझ में आ जाती है, जैसे एट अ हायर लेवल सबका सबका अच्छा करो, सबकी भलाई करो, परंतु ये शायद पता नहीं कि भलाई का डेफिनेशन क्या है। जैसे कि मान लो आज किसी अनाथ आश्रम में दान करना हो या किसी की आँख की सर्जरी करनी हो तो उसपे यू नो दैट इज उसपे इमीडिएट, बट जब ऐसा कहते हैं कि चलो गोल ऑफ लाइफ आध्यात्मिक जीवन क्यों होना चाहिए, तो शायद ये उतना इंट्यूटिव नहीं होता या उतनी आसानी से लोग हजम नहीं कर पाते हैं। हाँ मानते हैं कि इम्पोर्टेंट है, बट गोल ऑफ लाइफ ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी आपने। इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर सही माने में लोगों का भला करना है तो भला
होगा किस चीज से, वो पहले समझना चाहिए। तो जब हम समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और भगवान कहते हैं गीता में ममय अंश, ये सारे जीव जो है मेरे अंश है, तो हम सब भगवान का अंश होने के नाते, भगवान की संतानें हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, है ना। तो भगवान का अंश होने के नाते हम सबका हक बनता है भगवान की सारी संपत्ति पर। तो फिर ऐसा क्यों है कि इस जगत में कोई लोग बहुत ही गरीब हैं और कोई बहुत ही अमीर है, है ना। अब मान लीजिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई धनी व्यक्ति है, तो धनी व्यक्ति का मान लीजिए दो बेटे हैं, एक बेटा बहुत ही आज्ञाकारी है, पिता की सेवा करता है, पिता का सम्मान करता है, तो पिता नेचुरली उसे सारा अपना बिजनेस वगैरह सारा धन संपत्ति हैंड ओवर करते हैं। दूसरा बेटा थोड़ा नटखट है, छोटा वाला, बोलता है मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं, मुझे मेरा शेयर दे दो, मैं जा रहा हूँ। बच्चों पिता ने दे दिया सारा शेयर, शेयर दे दिया, लेकिन क्योंकि बच्चा नादान था, उसने जाके सारा अपना धन संपत्ति लुटा दिया अय्याशी में, और फिर भिखमंगा बन गया, रस्ते पे आ गया। अब रस्ते पे आ गया, कपड़े फटे पुराने हैं, खाने को भोजन नहीं है, तो कोई व्यक्ति जा सकते हैं, अरे यार ये लड़की को मैं जानता हूँ, ये तो वो धनी व्यक्ति का बेटा है, ये क्या हाल बना रखा है, उसमें कपड़े फटे हुए हैं उसके, तो जाके उसको एक कपड़ा पेयर दे देता है कि भाई ये लो तुम अच्छे से पैंट शर्ट पहनो यार, तुम फटे कपड़े क्यों पहन रहे। तो उसने कुछ भला किया। दूसरा भी सोचा, अरे यार ये तो उस धनी व्यक्ति का लड़का है, ये तो भूख से इसका बुरा हाल है, इसकी तो हड्डियां बाहर निकल आई है, तो कुछ भोजन लेके दे दिया, अरे भाई तुम अच्छे से खाओ भोजन यार, तुम इतने धनी व्यक्ति के बेटे हो, तुम इसको इतना सफर नहीं करना चाहिए, लो तुम भोजन लो। तीसरा व्यक्ति देखता है, अरे मैं जानता हूं ये लड़का तो वो धनी व्यक्ति का बेटा है, इस तरह से उसका क्या फटा हाल बना रखा है, अपने फटीचर की तरह रह रहा है, खाने के लिए भोजन नहीं, उसके पास जाता है, अरे मोर क्या कर रहा है, तू क्यों यहाँ पे सड़ रहा है, चल मेरे साथ, हाथ से पकड़ के अपने पिता के पास लेकर, तू अपने पिता के पास बैठ, उनकी आज्ञाकारी बन, उनकी आज्ञा मान, सारा धन संपत्ति तुझे मिल जाएगा, बस रहे उनके पिता के साथ रहे अपने। तब तीन लोगों ने उसका भला किया, एक ने उसे कपड़ा दिया, दूसरे ने उसे भोजन दिया, तीसरे ने उसे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन सबसे अधिक भला किसने किया उसका, तो मैं आप सब में से सुनना चाहूंगी, सबसे भला अधिक भला किसने किस व्यक्ति ने किया उसका, तीसरे ने। क्यों, उसने तो कुछ दिया ही नहीं उसको, ना तो भोजन दिया ना कपड़ा दिया, क्यों उसका, उसको बोलते हैं कि आप उससे सबसे अधिक भला किया, उसके डैडी के पास लेके गए जो उसको सब दे सकते हैं ना, he can give him everything. Yeah, उन्होंने उनके सारी समस्याओं का जड़ से समाप्त कर दिया, कुछ दिया नहीं लेकिन पिता के पास ले आए, बोले भाई तू पिता के साथ रह, पिता का आज्ञाकारी बन, तेरी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। तो उसी तरह इस जगत में जो संत महात्मा साधु लोग होते हैं, वो देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन सबको केवल यही एक चीज देते हैं, भाई तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करो, तभी तुम संतुष्ट रहोगे, वही तुम्हारे परम पिता है, उनके पास सब कुछ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन की दयनीय अवस्था इसीलिए है क्योंकि तुम उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका एकमात्र मूल कारण यही है कि तुम अपने पिता के संग को छोड़कर इस जगत में भटक रहे हो। तो इससे साफ हो जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवान की सेवा में लगना है, अगर उसमें लगते हैं और दूसरों को लगाते हैं तो यही सबसे परम क्या कहते हैं वेलफेयर वर्क है। सबसे अधिक भला वही व्यक्ति करता है इस जगत में जो दूसरों को भगवान के पास ले जाता है, और यही कारण है कि लोग संत महात्मा की पूजा करते हैं, उनके मरने के पश्चात भी उनके मंदिर उनकी समाधियां बनती हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग लोगों को सामान्य लोगों को भगवान के पास ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो बड़े बड़े संत महात्माओं की समाधियां इसीलिए होती हैं, इसीलिए क्योंकि लोग उनको उनका जो योगदान है, कितने सारे जीवात्माओं को उन्होंने भगवान के पास भेजकर भगवान के धाम भिजवाकर उनका मार्गदर्शन करके उनका भला किया,
उस योगदान के कारण लोग उनकी पूजा करते हैं। इस जगत में कितना भी धनी व्यक्ति कितना भी डोनेशन कर ले, कितने भी भूखे लोगों को खाना खिला ले, कोई इसका मंदिर नहीं बनता, कोई इसका स्मारक नहीं बनता। कभी कोई पुतला वगैरह बन जाता है एक जगह पे और फिर 40-50 साल बाद वो पुतला भी हटा देते हैं। तो याद है हमारे मुंबई मंदिर में लेडी नॉर्थ को, नॉर्थ हिंदू को जो ऑर्फनेज था, अभी भी मतलब उनकी संस्था थी वो पूरा। तो 3-4 पुतले थे जब मैं पहले पहले 80s में आया था, 90s अर्ली 90s में आया था, तो 3-4 पुतले थे लोग जिन्होंने उनको स्थापना की थी संपर्क। धीरे धीरे सारे पुतले हट गए, अभी शायद एक है अभी भी, लेकिन अभी अगले 20-25 साल 50 साल में पता नहीं वो भी रहेगा क्या। लेकिन आप संत महात्माओं की समाधियां देख लीजिए, आज भी लोग वहां जाकर माथा टेकते हैं उनके ऊपर। मंत्रालय में राघवेंद्र स्वामी का समाधि है। राघवेंद्र स्वामी ब्रिटिश राज में 200 साल 250 साल हो गए उनको, उससे पहले रहते थे, लेकिन अभी भी लोग वहां जाकर माथा टेकते हैं। तो रामानुजाचार्य का समाधि है श्रीरंगम में मंदिर में, तो वो तो लगभग 1200 साल पहले रहे थे, 800 एडी में उनका जन्म हुआ था। आज भी लोग जाकर उनके समाधि पर माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को मार्ग दिखाया कि भाई आपके जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा में लगना है, वो आपके परम पिता है। तो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन मायापुर बिहारी। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस प्रभु जी। यस, तो आई होप सबको क्लियर हो गया कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए। किसी को कोई संशय हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं, किसी को कुछ टीका टिप्पणी हो तो भी कर सकते हैं बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी आई थिंक लगभग 9 बज रहे हैं यहाँ पे, 8:55 हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई प्रश्न? थैंक यू। हरे कृष्ण मंडल जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस। हरे कृष्ण, हेलो एवरीबॉडी, हेलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बिना भाभी। बदा म्यूट पर का तो अनम्यूट करो बदा, जय श्री कृष्ण कहवाई। यस, ओ वेल, बदा बिजी छे। Yes, Janvi, you can stop the recording now.